काफी बार लोग सवाल करते हैं कि हमने ओवर रिएक्ट से कैसे बचना चाहिए, गुस्से को कैसे काबू में रखें, या बहुत एक्सेसिव रिएक्शन करते उससे कैसे काबू में रखें। अभी देखो इसमें यह है कि गुस्सा एक तो आएगा ही नहीं, उसके लिए क्या करना कि गुस्सा आना नहीं चाहिए, और समझो आता है गुस्सा तो उसको कंट्रोल कैसे करना, तो ये दो बातें इसमें आ जाती है। एक यह है कि हम काफी ओवर रिएक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली, सुबह से रात तक समझो अभी हम देखते हैं ना, तो कंटिन्यूसली हमारा ओवर रिएक्शन चल रहा है, कुछ तो भी रिएक्शन है, कुछ तो भी होता है, एक्शन होता है, हमने रिएक्शन करना, कोई एक्शन होता है रिएक्शन करते हैं। क्या हम ऐसा सीख सकते हैं कि रिएक्शन के बदले रेस्पॉन्ड कर सके, क्योंकि रेस्पॉन्ड ठंडे दिमाग से होता है, रिएक्शन गर्म दिमाग से होती है, रिएक्शन जो अपसेट दिमाग से होती है। क्या होता है कि जो मेरा इंटेंशन है उसमें कुछ रुकावट आ गई, जो मुझे चाहिए वहां मुझे रोकथाम कर दिया, या मुझे कुछ नुकसान हुआ, या मेरे इमेज, मेरे दिमाग में मेरी कोई इमेज है कि मैं फलाना फलाना हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, और किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया मेरे बारे में, या मेरा इंसल्ट कर दिया। क्या होता है कि मैंने एक मेरे दिमाग में मेरे इमेज को पकड़ के रखा हुआ है, मेरी सेल्फ इमेज है, मेरा एक अपने बारे में एक स्व प्रतिमा है मेरी, और उसके ऊपर किसने हमला कर दिया, किसने कुछ बोल दिया, तो फिर मैं गुस्सा हो जाता हूं, या मैं अपसेट होता हूं, या मुझे इंसल्ट लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटी बात के ऊपर गुस्सा आता है, लगता है कि इतनी छोटी बात के ऊपर मुझे गुस्सा आया ही क्यों, बाद में बहुत बुरा लगता है। तो एक्चुअली वो छोटी बात के ऊपर गुस्सा नहीं रहता है, एक्चुअली पहले से बहुत प्रेशर बढ़ते 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 गया हुआ है, और फिर छोटी सी बात होगी और वो गुब्बारा फूट गया। तो फिर अभी हमारी लड़ाई का ऐसे है, लड़ाई हमारी ऐसे है कि अपने आप के खिलाफ। देखो मैं एक हूं, मैं एक सेल्फ हूं, एक मेरी स्पेस है, और फिर मैं एक जो सेल्फ है, मेरा जो एक स्व है सेल्फ, अभी उसके ऊपर मेरी एक प्रतिमा मैंने तैयार की हुई है। वो प्रतिमा को धक्का लग गया, वो प्रतिमा के कुछ खिलाफ हो गया, तो मुझे गुस्सा आता है। क्या अभी मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो जो है मेरी इमेज, मेरी प्रतिमा, तो उसको कोई भी कुछ भी ना कर सके, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा क्रिएट कर सकता हूं कि किसने कुछ भी बोल दिया तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरी, मेरा जो स्व है सेल्फ है, मेरी जो एक खाली स्पेस है वो पूरी भरी हुई है, अंदर की जो स्पेस है वो एक्चुअली पूरी भरी है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं कि भाई एवरी ह्यूमन बीइंग इज संपूर्ण है, परिपूर्ण है, अखंड है, अनंत है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। हमने उसके ऊपर बहुत सारे आवरण चढ़ाए हुए हैं, बहुत सारे आवरण चढ़ाए, उसको धक्का लग जाता है तो गुस्सा आता है। तो अभी इसको हम प्रेजेंट हो जाए कि भाई वो जो मैं संपूर्ण परिपूर्ण एक सेल्फ हूं, अनंत अखंड हूं, परफेक्ट हूं, उसको क्या कुछ कर सकता है कोई, उसको तो कोई कुछ कर ही सकता नहीं है। तो फिर मैंने मेरे बारे में जो मत बनाए हुए हैं, मेरे जो लाइकिंग है, मेरे जो डिसलाइकिंग है, मुझे जो चाहत है, ये सब कहाँ से आई है, ये बाहर से आई हुई है। अब उसको यदि प्रेजेंट हो जाता हूं मैं कि ये सब मैंने मेरे जीवन के लिए क्रिएट किया हुआ है, एक्चुअली मैं जो प्योर हूं, आत्मा हूं, एक सेल्फ हूं, उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना, उसको तो कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, उसका उसको तो कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है, अनंत है, अखंड है। तो यदि ये मैं दिमाग में लाता हूं कि भाई मैं अलग हूं, और जो मैंने एक मेरी प्रतिमा बनाई हुई वो अलग है, और जो चाहत है वो सब वो प्रतिमा की चाहत है, वो जो ईगो है उसकी है, एक ईगो तैयार हुआ है मेरा, ईगो को डिस्टर्ब हो जाता है, ईगो को प्रॉब्लम है, गुस्सा ईगो को आता है, वो सेल्फ को नहीं आता गुस्सा। तो यदि मैं प्रेजेंट हो गया उसको कि मैं सेल्फ हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक ईगो है, दोनों अलग अलग है, और मैं जो सेल्फ है, मैं एक आत्मा हूं, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो ईगो को हो रहा है, यदि मैं उसको बार बार प्रेजेंट हो गया तो कोई भी गुस्सा होने के पहले मैं पहले प्रेजेंट हो जाऊंगा कि भाई गुस्सा किसको आ रहा है, ईगो को आ रहा है कि मेरे सेल्फ को आ रहा है। सेल्फ को तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा है, परफेक्ट है, अनंत है, अखंड है। उस समय फिर मैं शांति से जो भी कुछ रेस्पॉन्ड करना है वो रेस्पॉन्ड कर सकता हूं। अभी ये हर बार पॉसिबल है कि हर बार संभव है क्या? हो सकता है कि शुरू में नहीं होगा संभव, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसकी मैं यदि बार 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 प्रैक्टिस करता हूं कि कोई भी रिएक्ट करने के पहले जो भी हो रहा है उसको प्रेजेंट हो जाना,
प्रेजेंट टू द प्रेजेंट होना, वर्तमान जो है जो मौजूद है, मतलब जो मौजूद है वहां उसको मौजूद हो जाना, उसको प्रेजेंट यदि हो गया मैं उसको देख रहा हूं, जो भी हो रहा है क्या उसको मैं देख सकता हूं और मैं देख रहा हूं उसको, क्या मैं उसको बराबर सुन सकता हूं जो हो रहा है उसको, क्या मैं उसको देख सकता हूं जो हो रहा है उसको ही देख सकता हूं, जैसा हो रहा वैसे ही देख सकता हूं, तो फिर गुस्सा आने का कोई कारण ही नहीं है, कोई गुस्सा आएगा ही नहीं। तो जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसको देखना, कोई आवाज हो रहा है जैसा कोई बोल रहा है आवाज कर रहा है वैसा सुनना, कुछ भी उसका मीनिंग न लगाते हुए, कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन न करते हुए, तो फिर गुस्सा आने का कोई कारण नहीं, फिर मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। तो हमको ये देखना है कि मैं एक सेल्फ हूं, मैं एक आत्मा हूं, एक ईगो है, गुस्सा ईगो को आता है, ईगो रिएक्ट करते रहता है, ओवर रिएक्ट करते रहता है। अभी मैंने ये ईगो को ओवर रिएक्शन से बचाना है मैंने, तो फिर जो हो रहा है उसको मैंने देखना, जैसा हो रहा है वैसा देखना, जो भी सिचुएशन है कोई कुछ बोल रहा है तो जैसा बोल रहा है वैसा सुनना, जो भी फील हो रहा है अनुभव हो रहा है वैसा अनुभव करना, तो फिर मेरा रिएक्शन आएगा ही नहीं, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो एक मुझे गैप क्रिएट करना है, जो भी एक्शन हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, तो वो इवेंट हो रहा है उसको रिएक्ट ना करते हुए जैसा इवेंट हो रहा है वैसा उसको देखना, समझ लेना, सोच के बाद में रेस्पॉन्ड करना। यदि मैं करता हूं तो गुस्सा काफी कंट्रोल में आ सकता है और मेरा दिमाग शांत रह सकता है। थैंक यू वेरी मच।